अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके फेवरेट यूट्यूबर यानी के बदला ब्रदर के बारे में। नहीं पता कि बदला ब्रदर कौन है? तो मैं बताता, चलो ये वही है जो कहते हैं दिल गुर्दा फेफड़े, ये फेफड़े वाले हैं। तो भाई साहब की रिसेंट वीडियो आई है जिस पे उन्होंने आयशा अकरम को रोस्ट किया। तो आयशा अकरम कौन है? आपने यूट्यूब पे देख लिया होगा कि न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि वो एक टिकटॉकर हैं जो 14 अगस्त वाले दिन मीनार पाकिस्तान के नीचे वीडियो बनाने गई हैं। वहाँ पे उनके फैंस ने उनके साथ बदतमीज़ी की है, उसके साथ बगैरती की है। तो इस पे भाई साहब ने एक वीडियो बनाई है यानी कि हमारे बदला ब्रदर ने, ये तो भाई साहब ने वीडियो बनाई है। तो आइए देखते हैं। तो भाई साहब वीडियो के स्टार्ट में ही पहला डायलॉग मारते हैं कि जैसी ये है वैसी इसकी आवाम होगी। तो भाई जैसा फिर तू है तो तेरी आवाम भी वैसी होनी चाहिए। तो फिर भाई साहब लड़की के कपड़ों पर कॉमेंट करते हैं कि कपड़े ऐसे पहनती है। तो फिर लोगों ने इस पर हमला करना ही था, इसको हैरेस करना ही था। ये कपड़े ऐसे पहनती है, ये वीडियोस ऐसी बनाती है, ये टिकटॉकर है, ये है वो है। तो भाई जो फिल्म स्टार है वो भी तो कपड़े पहनती है, वो इससे भी छोटे कपड़े पहनती है। तो क्या वो जैसे घर से बाहर निकले उस पर हमला कर दें? तो दूसरा भाई साहब ये कहते हैं कि इसको इसकी ये प्लानिंग थी, लड़की की सारी प्लानिंग थी। तो ऐसी कोई बात नहीं, लड़की की प्लानिंग नहीं थी। तो कहते हैं कि लड़की ने सबको कहा कि आ जाओ इन्जॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो लड़की ने वीडियो बनाई थी ज़रूर। तो लड़की ने वीडियो में कहा था कि कोलैब करना है, इसने भी मेरे साथ वो आ जाए। तो उसके फैंस यानी कि छोटे टिकटॉकर जब भी कोई बड़े टिकटॉकर के साथ कोलैब करते हैं तो उनकी वीडियो वायरल होती है। लड़की की गलती ये है कि वो बिना स्कूटी के चली गई। तो वहाँ पे स्कूटी उसके पास नहीं थी, बस उसके दो तीन टीम मेंबर थे। तो उन्हें वहाँ पे लड़की क्या दूसरा छा। तो भाई साहब दूसरी तीसरी बात ये करते हैं कि अपनी वीडियो में किसने फ्लाइंग किस दी है। तो इस पर लोगों ने हमला किया। तो आज भी मैंने उर्दू पॉइंट पे देखा, जो लोग इंटरव्यू देते हैं वही कहते हैं कि लड़की ने फ्लाइंग किस दिया, तो लोगों ने उस पर धावा बोल दिया। तो जब भी कोई यार सेलिब्रिटी जाता है अपने फैंस से मिलने, वो हाथ से इशारा या फ्लाइंग किस जरूर देता है। लेकिन नहीं, सारों ने ये मुद्दा उठाया कि इस लड़की ने फ्लाइंग किस दी है, इसकी गलती है, इसने फ्लाइंग किस क्यों दी। तो अगर ये लड़की फ्लाइंग किस ना देती तो भाई ये ठरकी पाकिस्तान की जो ठरकी आवाम है, इन्होंने फिर भी उस लड़की पे धाबा बोल देना था। ये पाकिस्तान की ठरक वाली आवाम है। तो टिकटॉक पे जितनी लड़कियां हैं ना, उनकी 70% आवाम जो है ना वो ठरक की है। वो लोग चाहते हैं कि उन्हें लड़कियाँ देखें, ठुमके मलगाती हो, लिपसिंग करती हो, मेकअप वाली, तो बस यहीं देखने के आते हैं। तो इसलिए इनके लड़कियों के टिकटॉक फॉलोअर ज़्यादा होते हैं। कहते हैं कि भाई लड़की ने फ्लाइंग किस क्यों दिया, तो भाई उसने दे दी। लड़के अगर ना भी दे तो उस पर हमला कर देते। तो फिर कहता है ये, फिर भाई साहब ये कहते हैं कि रैमो जो उसके साथ है, लड़की के साथ, आपने एक आदमी देखा होगा उसकी 4 साल हो गए उसको वीडियो बनाते हुए, उसके साथ उसके एक टीम मेंबर है जिसका नाम है रैमबो। तो वो कह रहा है कि रैमबो अपने मज़े पूरे कर रहा है। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि रैमबो ने उस लड़की को पीछे से ऐसे करके कवर किया हुआ है। तो ये कि बदला ब्रदर भाई साहब कह रहे हैं कि वो अपने मज़े ले रहा है। तो भाई साहब अगर उसने मज़े लेने होते, वो 4 साल के उसके साथ काम कर रहा है, 4 साल से वो मज़े ले लेता उस वक्त, उसने पब्लिक में ऐसा क्यों करना था? अरे भाई तू व्यूज़ के लिए लड़की को क्यों बदनाम कर रहा है? तो भाई बदला ब्रदर, मैं तेरा फ़ैन हूँ, तेरी हर वीडियो देखता हूँ, लेकिन ये जो तूने वीडियो बनाई ना, ये गलत वीडियो है। इसमें तो लड़की को बदनाम कर रहा है। तो लड़की को कह रहा तू कि उसकी ये प्लानिंग थी, उसने व्यूज़ के लिए सारा कुछ किया है। तो भाई तू किस चीज़ के लिए कर रहा है? तू भी तो व्यूज़ के लिए इसको बदनाम कर रहा है। तेरे पास भाई और टॉपिक हैं, तो तुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे लड़की की इज्जत ख़राब होती है, चाहे जो मर्ज़ी हो, तुझे बस अपने व्यूज़ से मतलब है। तूने बस वीडियो बनानी और व्यूज़ आया, जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है तूने उस पर वीडियो बनाई और व्यूज़ तेरे डन, व्यूज़ तेरे आ गए। तो तूने ये नहीं देखना कि उस लड़की की जो तेरी वीडियो की वजह से जो लोग उस लड़की की मदद हेल्प कर रहे हैं ना, जो उस लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं, जो उस लड़की को इंसाफ के लिए आगे आ रहे हैं, तो उनको रोस्ट कर रहा है। जो इकरार हुसैन और डेली ग्लोबल पाकिस्तान वाले हो गए, तो उनको भी कह रहा कि ये कर रहा है। एक और वो यूट्यूबर है, उसका नाम क्या, नोमी, वो भी कल नकल उतार रहा था, एक इंटरव्यू कर रहा था कि मैं पता नहीं क्या नाम उसका जो एंकर है यूट्यूब पे डेली ग्लोबल पाकिस्तान वाला, उसकी नकल उतार रहा था कि वो उसको आयशा अकरम को इंसाफ दिलाने के लिए क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो भाई अगर तू लड़की की कोई हेल्प नहीं कर सकता, उसकी उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, उसकी इज्जत तो ना ख़राब करना, तो उस पर वीडियो बना रहा है, रोस्ट कर रहा है उसको। उसको जो लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं वो भी उससे पीछे हट रहे हैं कि भाई तेरी प्लानिंग है, तू व्यूज़ के लिए कर रही है, ये सारा तूने प्लान किया था। तो भाई ऐसी वीडियोस बनाती है, ऐसी वीडियो बनाती है, ये करती है, वो करती है, तू बस व्यूज़ के लिए कर रहा है बस। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं तेरा फ़ैन हूँ, आपकी मैं हर वीडियो देखता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप लड़की की मदद नहीं कर सकते तो यार उसको बदनाम तो मत करो। तो जैसा कि ये लड़की की मिसाल, लड़की अकेली चली गई है, उसकी गलती थी, यही उसकी मिसाल है कि एक बकरी 100 भेड़ियों को आगे चली गई, तो लेकिन वो तो 400 थे, उन्होंने फिर लड़की को छोड़ना था, उन्होंने अपनी बगैरती शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बगैरती तो आपने की, वीडियो बना के उसकी इज्जत ख़राब करके, उसके ऊपर इंसाफ। लेकिन नहीं, हमारे बदला भाई साहब को चाहिए व्यूज़, आपको नहीं देखना कि क्या आ रहा है, बस
लड़की को बदनाम किया, रिलैक्स अपने व्यूज आ गए, बाहर मजा आया हमें क्या। अगर यही मैं कहूँ, अगर ये लड़की का अगर आपके घर में से कोई होती तो क्या आप ऐसा करते, तो मुझे बताइएगा। तो यही अगर बात मैं आपको कमेंट में करता तो आपने इसका जवाब नहीं देना था, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। तो मुझे पता है आप शायद मेरी वीडियो का जवाब देंगे या नहीं, लेकिन मैंने तो वीडियो बना दी। तो बस यही थी आज की वीडियो, तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय गाइस।